हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही नए तरीके के बेबी बूट और इसको हमने दो कलर की बूल से बनाया है बूल को हमने डबल किया है और देखिए इससे डबल करके मैंने बनाया है तो आप इसको एक घंटे में बना सकते हैं सिंगल बूल से भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी बूल है ये हमारी थोड़ी पतली थी तो हमने इसको डबल कर लिया वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए जीरो से लेकर करीब तीन साल के बच्चे के ईजिली आ जाएंगे अगर आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं देखिए इस तरह से तो सबसे पहले देखिए हमने ये नाइन नंबर सलाई ली है क्योंकि हमने भूल को डबल कर दिया अगर आप सिंगल बूल से बना रहे हैं तो इसमें टेन नंबर सलाई से बना सकते हैं तो देखिए ऐसे बिल्कुल सिंपल फंदे ले रही हूँ मैं जो बिगनर्स भी इजली डाल सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी फंदे ले सकते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट फंदे नहीं लेने हैं आपको तो इस तरह से मैं फंदे ले लेती हूँ ये देखिए मैंने यहाँ पे बयालीस फंदे ले लिए हैं फोर्टी टू फंदे अब देखिए फर्स्ट रो हम इसकी उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से अभी हम उल्टा उल्टा इसको बनाएंगे ऐसे ये देखिए लास्ट तक इसको ऐसे ही बुनेंगे ये देखिए मैं बुनते बुनते लास्ट में आ गई हूं तो लास्ट तक हमने एक रो कंप्लीट कर ली अब देखिए इधर से भी हम उल्टा ही बुनेंगे इस फंदे को उतारेंगे और भूल अपने तरफ करेंगे यहां से हम इसको ऐसे बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे ये देखिए इस तरह से तो अब देखिए दोनों तरफ से हम इसको बना लेते हैं इसको उल्टा उल्टा बुनना है जैसे इधर से बुन के आए इधर से उल्टा बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक वापस फिर से उल्टा बुनेंगे तो ऐसे ही हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आगे का ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल सात रो बना ली हैं सीधे तरफ देखिए एक दो तीन चार चार रो आई हैं और उल्टे तरफ देखिए तीन एक दो तीन तो टोटल ये रो बन गई हैं अब देखिए हम उल्टे तरफ हैं जहाँ से हम इसमें कलर चेंज कर लेंगे ये देखिए ये देखिए यहाँ से हमने उल्टे तरफ से ये व्हाइट कलर ऐड कर लिया आप अपने हिसाब से कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख लीजिए और बिल्कुल इजी है जिसको बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं तो ये रो हम कंप्लीट करते हैं उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली और देखिए इन फंदों को हमने तीन जगह बांट दिया तो दस फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं दस फंदे यहाँ पे लिए हैं और बाईस फंदे बीच में लिए हैं टोटल हैं मेरे पास बयालीस फंदे जिसमें से हमने ऐसे इनको कर लिया अब देखिए पहले हम यहाँ पे ये यह दस फंदे बुनेंगे एक फंदा उतारेंगे भूल अपने तरफ दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस ये देखिए ये दस फंदे हमने उल्टे बना लिए अब बीच के फंदे जो हैं जिनको हम दो उल्टे और दो सीधे बनाएंगे यहां तक बाईस फंदों तक उससे पहले हमें डालनी है जाली तो देखिए हम इसको अब निकाल भी सकते हैं इस तरह से तो ये दो फंदे ऐसे देखिए यहां से हमने भूल अपने तरफ किया और यहां पे हमने सीधा बना दिया एक और सीधा बनाएंगे तो देखिए यहां पे एक फंदा बढ़ गया अब हम बूल अपने तरफ कर लेंगे और यहां से दो उल्टे बूल को पीछे दो सीधे ये हम बाईस फंदे ऐसे ही बुनेंगे दो उल्टे दो सीधे बूल अपने तरफ दो उल्टे और दो सीधे ऐसे बोल अपने तरफ दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे ये देखिए और दो सीधे इस चीज का आपको ध्यान रखना है इधर फंदे दो सीधे हैं तो इधर भी आपके सीधे ही होने चाहिए तो देखिए एक और दो अब मुझे यहां पे फंदा बढ़ाना है जैसे हमने ये बढ़ाया तो अब हम आपको यहाँ पे काउंट करके दिखा देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह धुनी बाईस दस फंदे हमारे इधर हैं, दस इधर हैं, तो अब देखिए इस साइड में हमें इस तरह से लपेटना है और इधर का फंदा हमें उल्टा बनाना है देखिए ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस ये देखिए अब यहां से हम पलट लेंगे अब हम इस फंदे को उतारेंगे पहले हम दस फंदे उल्टे बनाएंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अब देखिए ये आ गया जाली वाला फंदा तो हम इसको भी उल्टा ही बुन लेंगे अब दो फंदे इसमें से हम उल्टे बुनेंगे इधर जो उल्टे आ रहे हैं अब देखिए यहाँ पे जो सीधे आएंगे उनको हम सीधा बुनेंगे एक और दो बोल अपने तरफ दो उल्टे और दो सीधे उल्टी रो में आपको कुछ नहीं करना है जो उल्टा मिलेगा उसको उल्टा बुनेंगे सीधा मिलेगा उसको हम सीधा बुन देंगे ऐसे देखिए अब यहां से लेके आपको लास्ट तक ऐसे ही बनाना है बाईस फंदे दो उल्टे दो सीधे और उधर के ग्यारह फंदे उल्टे ये देखिए ये दो लास्ट में उल्टे आ गए जाली वाला फंदा ये रहा देखिए इसको भी हम उल्टा बना लेंगे और इधर के दस फंदे उल्टे तो हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली सीधी रो पे आ जाएंगे जहाँ पे हम एक फंदा उतारेंगे भूल अपने तरफ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह देखिए बड़ा हुआ फंदा हम इधर ही ऐड करते जाएंगे ग्यारह अब इस पे डालेंगे हम जाली ये देखिए ऐसे करके ये देखिए दो सीधे और दो उल्टे दो सीधे ये हम बाईस फंदे तक ऐसे ही बुनेंगे लास्ट में फिर से हम जाली डालेंगे ये देखिए बीच का पार्ट आपको ऐसे ही बनाना है उल्टे और दो सीधे उल्टे दो सीधे उल्टे और दो सीधे ये देखिए अब ये वाला फंदा इस साइड ऐड हो जाएगा यहां पे हमें फंदा ऐसे बढ़ा देना है ये 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 देखिए वाला हम उल्टा बना लेंगे और ये वाले फंदे जो हैं इनको हम उल्टा बनाते हुए लास्ट तक बुनेंगे ये देखिए ये देखिए अब देखिए हम ऐसे ही ये बीच का पार्ट बना लेते हैं फिर हम आपको आगे का दिखाएंगे जो फंदे ये दो उल्टे दो सीधे हैं उनको ऐसे ही बुनना है बढ़ा हुआ फंदा एक इस साइड ऐड हो जाएगा और एक इस साइड ऐड हो जाएगा तो ऐसे ही हम बना लेते हैं ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी लंबाई को पूरा कर लिया और यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच डिजाइन ये मैंने छ रो यानी कि इधर की डाल ली हैं और यहाँ पे देखिए जाली भी हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच जाली हमने डाली हैं तो इसमें पाँच फंदे हमारे बढ़ गए हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच दो दस और एक ग्यारह ग्यारह फंदे हमने रखे थे और तीन और दो पाँच तो देखिए ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह फंदे इधर हो गए हमारे और सोलह ही फंदे इधर हो गए अब देखिए हम सेंटर में फंदे घटाएंगे जो हमने दो दो का एक करना है ये देखिए पहले हम ये सोलह फंदे उल्टे बुन लेंगे ये तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह ये देखिए अब धागा करेंगे पीछे और यहाँ पे कर देंगे ये सीधे तरफ दो का एक ये देखिए दो का एक कर दिया अब बूल अपने तरफ करेंगे जी उल्टे हैं तो हम बूल अपने तरफ करके दो का एक करेंगे ये देखिए अब यहाँ पे ये बाईस फंदे जो हमने दो उल्टे दो सीधे बुने थे अब ये ग्यारह फंदे रह जाएंगे ऐसे देखिए इस तरह से दो का एक ये देखिए और लास्ट के सोलह फंदे हम उल्टे बना लेंगे ये देखिए यहां से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बाईस फंदे थे तो ग्यारह फंदे रह गए अब हम धागा अपने तरफ करेंगे इधर के ये वाले फंदे हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ये देखिए अब देखिए यहाँ से हम इसको पलट लेंगे और इस फंदे को उतार लेंगे भूल करेंगे अपने तरफ यहाँ पे पहले हम ये सोलह फंदे उल्टे बुनेंगे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यहाँ पे सोलह फंदे बुनने के बाद आप देखिए ये ग्यारह फंदे हम इस क्रोसिया पे ले लेंगे दो चार दो छ आठ दस और एक ग्यारह अब देखिए यहाँ से इस वाली बोल को हम ऐसे देखिए इनमें से सभी में से इस तरह से निकाल देंगे ये देखिए और इस फंदे को ले लेंगे हम इस पे सलाई पे ऐसे ये हमने ग्यारह फंदे का एक फंदा बना दिया थोड़ा सा इसको हम टाइट कर लेंगे ये देखिए अब यहाँ से ये वाले फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह ये देखिए ये हमने देखिए इस तरह से यहाँ पे ये ये डिज़ाइन बन के हो गई हम देखिए सीधे तरफ से पूरी रो उल्टा बुनते हुए जाएंगे हम ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और देखिए सेंटर का फंदा भी हम ऐसे ही बना लेंगे ये देखिए अब ये होल आ गया यहाँ पे तो यहाँ से हमें डोरी डालनी है ऐसे में ये देखिए ऐसे बना लिया हमने अब सारे फंदे हम उल्टा बुनते हुए लास्ट तक बना लेंगे इसको ऐसे। ये देखिए तो इधर की रो लास्ट तक कंप्लीट हो गई अब देखिए हम ऊपर इसको रेड कलर से बुनेंगे ये देखिए ये होल आ गया इस तरह से यहां पे अब उल्टे तरफ से हम लगाएंगे ये रेड वाला कलर अब वाइट को अभी हम यहीं छोड़ देंगे और रेड को लगा लेंगे पूरी रो उल्टा बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक फिर हम इसके बाद इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं उल्टे तरफ से लास्ट तक हमने इसको बना लिया अब देखिए हम इस यहाँ एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा ऐसे ही हम यहाँ पे बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है उधर से जो उल्टा होगा उसको उल्टा सीधा होगा उसको सीधा तो हम यहाँ पे आपको बॉर्डर बनाने के बाद दिखाते हैं ये यह देखिए यहाँ पे बॉर्डर मैंने बना लिया है और देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात सात रो सीधे तरफ से बनाई हैं और आठवीं रो में हमने धागा चेंज किया था तो, तो टोटल हमने आठ रो बना ली हैं अब देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे तो यहाँ पे वाइट कलर से हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे तो आप चाहें तो इसी रेड कलर से भी कर सकते हैं ये देखिए इसको हमने किया और इसको ऐसे बुन लिया अब इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे उसके बाद ये फंदा बुनेंगे अब पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे फिर एक फंदा बुना इस वाले को इसके ऊपर से निकाल दे जाएंगे तो ऐसे ही हम सारे फंदे क्लोज कर देंगे इसको बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे और इसको ज़्यादा लूज नहीं रखना है ना ज़्यादा टाइट कर करना है ये देखिए इस तरह से देखिए तो हम बना लेते हैं ये देखिए लास्ट तक बंद करते हुए पहुंच गई हूँ मैं तो अब देखिए इस वाली बुल को हम इसके अंदर से निकाल देंगे तो यहाँ पे ये लॉक हो गया अब हम देखिए इसकी सिलाई करेंगे तो सीधा साइड जो है उसको हम अंदर कर देंगे और देखिए एक दो तीन चार पाँच छ छः पत्तियाँ हैं इसमें हमारी तो ये सेंटर में जो आएगा ये उल्टा वाला पार्ट आएगा देखिए तीन इधर हो जाएंगे तीन इधर हो जाएंगे एक दो तीन एक दो तीन तो यहाँ से हम ऐसे इसको बीच सेंटर से फोल्ड कर देंगे ये देखिए अब देखिए जहाँ पे ये रेड कलर है उसको हम रेड से सिलेंगे और वाइट है उसको हम वाइट से सिलेंगे तो देखिए इस वाले धागे को हमने इधर कर दिया और यहाँ से हम ये इतना जो है इसको हम रेड कलर से सिल देंगे ये देखिए यहाँ पे हम इसको पक्का करेंगे उसके बाद हम इसको धागे को यहाँ पे इसको सिलेंगे अभी हम देखिए इसको देख यहाँ से पहले लॉक कर देते हैं इसमें से हम इसको हुक को डाल के क्रोसिया हुक को और देखिए ऐसे ताकि यहाँ से फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हो जाए ऊपर ये देखिए इस तरह से अब वापस हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे ये देखिए अब इसी धागे को हम यहाँ से ये सिलाई कर देंगे बाइट वाला पार्ट ये देखिए वाइट वाला पार्ट हमने सिल लिया है अब हम यहाँ से देखिए रेड कलर के धागा लेके आए हैं और यहाँ से हम रेड कलर का ये सिल देंगे आप चाहें तो इस धागे को कट करके भी वहाँ से लगा सकते हैं अब देखिए जो हमने फंदे डाले थे उसको भी हम सिलाई कर देंगे ऐसे देखिए यहाँ से बिल्कुल इजी सॉक्स है आप एक घंटे में इसको बना सकते हैं और बची खुची बुल से भी इसको बना सकते हैं जो आप थोड़ी थोड़ी बुल बच जाती है उसको भी आप यूज करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने बेबी के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा जैसा बनाना चाहते हैं वैसा आप बना के तैयार कर सकते हैं अब देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं अब यहाँ पे हम इसको पक्का करके इस बुल को कट कर देंगे दो तीन बार ऐसे करके घुमा देंगे यहाँ पे इस तरह से देखिए आप देखिए इसमें हम डोरी डालेंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे देखिए एक ये इस तरह से बनाया और यहाँ से हमने इसमें से खींच लिया आप देखिए हम चैन बनाएंगे इसमें से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इस तरह से हम नब्बे चैन बनाएंगे इसमें तो हम बना लेते हैं ये देखिए हमें नब्बे चैन बनाने के बाद ये देखिए इसको ऐसे खींच दिया तो यहाँ पे ये भी लॉक हो गया अब देखिए हम यहाँ से डोरी डालेंगे इसमें होल में से देखिए ऐसे इसमें से ऐसे निकाला ये देखिए सभी में से हमें सीधे फंदे में से ऐसे निकालते हुए जाना है जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक ये देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ पे अब सिलाई वाला पार्ट आ गया यहाँ पे तो यहाँ से अब हम इस वाले ऐसे पार्ट को इस तरह से निकाल के खींच लेंगे इसमें से ये देखिए ये अब इसी इसको हम थोड़ा सा टाइट करके खींचेंगे तो ये इजीली खींच जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ये मोटी बनी है चैन बुल हमारी डबल थी इसलिए आप चाहें तो सिंगल बूल से भी बना सकते हैं ये देखिए इस तरह से डोरी को हमने यहाँ से खींच लिया तो ये पता भी नहीं चलेगी और ये बांध देंगे तो बेबी के पैर से गिरेगा भी नहीं अब देखिए वापस हमें इस साइड भी डालनी है तो इसी में से हम वापस फिर से ऐसे देखिए यहां से इस तरह से इस साइड भी सेम तरीके से डालनी है ये डोरी आपको ये देखिए जहां तक सिलाई है वहीं तक हमें ये वापस जाना है और देखिए यहां से इस वाले धागे को ऐसे इसमें से निकाल लेना है ये देखिए इजली निकल आएगा आप इस तरह से डालेंगे तो ये देखिए इधर भी आ गई अब आप इस टोरी को बांध देंगे यहाँ पे तो आप किसी भी तरीके की नॉट यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे देखिए हमने इसको बांधा या फिर आप चाहें तो क्रोसिया से आप फ्लावर भी बना सकते हैं देखिए इस तरह से ऐसे इस वूल को हम कट कर देंगे